कौशाम्बी नकल मंडी की 2020 बोर्ड परीक्षा की खुली पोल। बोर्ड परीक्षा 2020 गणित की कॉपी पकड़ी गई। यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 की कॉपियों को जिलाधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। हरिओम साहू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजवा में पकड़ी गई 31 कॉपियां। कौशाम्बी जनपद में सिराथू तहसील अंतर्गत नगर पंचायत अजवा नकल की मंडी से विख्यात है। नगर पंचायत अजवा और उसके आसपास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इतनी सख्ती के बावजूद भी अजवा के हरिओम साहू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजवा कौशाम्बी में 31 कॉपियां पकड़ी गईं। यूपी बोर्ड परीक्षा में जिलाधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने हाई स्कूल गणित की कॉपियों को पकड़ा। हरिओम साहू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजवा में 31 कॉपियां पकड़ी गईं जो बाहर से लिखकर स्कूल के अंदर लाई गई थी। मौके पर एसडीएम सीओ सिराथू सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ईओ नगर पंचायत अजवा एसडीएम सिराथू सैनी पुलिस और अजवा पुलिस मौके पर रही। मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर लगे होने की वजह से स्कूल में बाहर से लिखी जाती है कॉपियां। इसके एवज में प्रत्येक लड़के के लिए 30,000 से 35,000 रुपए लिए जाते हैं। बाहर सॉल्वरों द्वारा कॉपियां लिखाई जाती हैं, बाद में इन्हीं कॉपियों को नत्थी कर भेजा जाता है। आखिर इतनी स्ट्रॉ कॉपियां स्कूल संचालकों के पास कहां से आती हैं? ये जांच का विषय है। और सिर्फ यही नहीं, अजवा के ज्यादातर विद्यालयों में यही मंजर है। यूपी सरकार का नकल रोकने का दावा फेल साबित हो रहा है। ऊपर करो, क्या कार्रवाई हो रही है? बिहार प्रत्येक मजिस्ट्रेट द्वारा जो है बाहर से लिखी कॉपियां पकड़ी गई हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। कॉपियां पकड़ी गई हैं, उनको परीक्षा निरस्त करने के लिए कार्रवाई और केंद्र परिवार करने के सिलसिले करने पुलिस ने पकड़ी है। मजिस्ट्रेट द्वारा ही सूचित किया गया है मुझे। तो कितनी कॉपियां पकड़ी है? संख्या मिल रही है, 29 कॉपियों की संख्या मिल रही है। किस क्लास की कॉपियां थी और किस सब्जेक्ट की? इस बारे में छानबीन की जा रही है। वैसे कक्षा संख्या 5 के संबंध में जानकारी मिल रही है। सब्जेक्ट क्या था? आज गणित विषय की परीक्षा थी। कॉपियां तो किस मिलती है, एक्स्ट्रा कॉपियां कहाँ से? अब उसकी जो छानबीन उसी की बात पे फाइल लिखी जा रही है, तो छानबीन के बारे में पता चलेगा। सर दूसरा सेंटर बनाए, माना कि जंगल सेंटर बन गया, काफी बदल जाएंगे, क्या होगा इसके लिए? नहीं, इसके लिए देखिए, इसके लिए पूरी समिति बनी हुई जनपद में और वो जो बोर्ड से निर्धारित मानक है जो अंक रखे गए हैं मेरिट के, उसके आधार पर जो अंक मेरिट के विद्यालय आते हैं उसके आधार पर जो है परीक्षा के निर्धारित होते हैं। इसमें कोई पी कंट्यू जैसा कोई मामला नहीं। मानक सेंटर बना, अब उसमें कक्षों की संख्या है और जो पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा कुछ दिख रहा है? विद्यालय चलते हुए जाना चलते हुए बचाते सेंटर? नहीं, विद्यालय चलना जरूरी है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें विद्यालय संचालित कराया गया था। विद्यालय मार्ग पहुँच मार्ग होना चाहिए, पहुँच मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ। सोमवार को इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान के पेपर लीक हुए थे, ऐसी कोई सूचना? नहीं, वो सूचना अफवाह थी जो है। बाद में इसका अगाधिकरण देखा, उसका खंडन भी है कि वो हमारे यहाँ के प्रश्न पत्र नहीं थे, दूसरे जिले के प्रश्न। विद्यालय में कार्रवाई क्या होगी? काफी पकड़ी गई बड़े पैमाने पर, किसकी चूक है, क्या कार्रवाई होगी? अब इसमें केंद्र को दीवार करने की संस्कृति हम लोग भेजेंगे।